हेलो बच्चों, एसजीआरटीएस 239 मॉक टेस्ट 14 फिजिक्स पेपर डिस्कशन। आ जाओ बच्चों, जो गलतियां किए हैं उसको सुधार लो और आगे बढ़ लो। क्या है तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन शुरू है। पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 135 मीटर इन टी सेकेंड द वैल्यू। तो बेटा यहां देखो, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी ऐसे चेंज होती है तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, कभी भी चेंज नहीं निकालते, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहां डिस्टेंस इज इक्वल टू, कहीं भी ऐसा फार्मूला होता है याद रखना, कई जगह मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टी, ठीक है। जैसे क्यू इक्वल टू आई टी है, कहीं करंट चेंज हो रहा है तो आई एवरेज इनटू टी कहेंगे, ठीक है। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स चेंज हो रहा है तो एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ यू प्लस वी की वैल्यू रख दो, 10 प्लस 20 अपॉन 2 हो गया, ये 135 है, 135 कर दो, टी निकल जाएगा यहां से, 30 हो गया, और टी मतलब 135 इंटू 2, 30 इंटू टी, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 15, 9, 135 नहीं ना जाएगा, ठीक। और इसमें बेटा देखिए, जैसे कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, केवल फार्मूला आपको बता के छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और भी क्लास भी है सब कुछ है तो उतना समय है नहीं। तो फार्मूला अगर कोई, जैसे कोई आंसर क्या है, फार्मूला रखने में क्या है नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और दिया है, तो उसको आप लोग अच्छा कर रहे हैं, कमेंट कर दे रहे हैं, तो उसका हम आंसर करेक्ट करा देंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसा कोई यहाँ है तो उसको कमेंट कर देना। तो करंट डेंसिटी ऑफ एवरी पॉइंट इन द यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इतना, देखो करंट डेंसिटी दे दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया है, द चार्ज कैरियर डेंसिटी पूछ रहा है, मतलब कैरियर चार्ज डेंसिटी, कैरियर चार्ज यूनिट में देख लो, कूलम पर मीटर क्यूब है, सेंटीपीटर पावर -3 नहीं बेटा, ये कूलम, देखो सी और एम में थोड़ा अंतर लगा, कूलम पर मीटर, इसका मतलब यन्नी पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं जे इक्वल टू क्या होता है, यन्नी वी डी होता है, ये सबको पता होगा। तो यहाँ यन्नी पूछ रहा है तो यन्नी इक्वल टू क्या कर देंगे, जे बाई क्या कर देंगे, वी डी कर देंगे, जे भी पता है वी डी भी पता है, तो इसको आप रख लीजिए तुरंत। दो के बाद तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या कर रहा भैया, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी 100 एंड 1000, देखिए 100 और 1000 है, कहा जा रहा है कि द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। तो बेटा एक्सेलेरेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू -ω² a होता है, ठीक है। α1 α2 क्या हो जाएगा, -ω² a हो जाएगा, चलिए दोनों को डिवाइड कर दें, a a कट जाएगा, α1 अपॉन α2 क्या हो जाएगा, ω1 अपॉन 100 अपॉन 1000, ये देखिए 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100, 1/100 का मतलब 1/10 टू पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, करा फोर्स एफ दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि फोर्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वर्क मिलता है, मतलब वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, 2 से 6, और ये देखो एफ डॉट डी एक्स होगा, क्यों बेटा 2 से 6, एफ कितना है जरा बताना, 5 प्लस 3x और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये देखो 5 का इंटीग्रेशन कितना होता है 5x, 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है 3x² / 2, और ये लिमिट कहां से कहां तक ले जानी है, 2 से लेके 6, देखो 2 से लेके 6, तो ये क्या हो जाएगा जरा, 5, 6 में से 2 जाए कितना बचता है 4, ये क्या हो जाएगा 3/2 बाहर हो गया, ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 -4, तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 2 जा 20, और ये देखो 36 में से 4 जाता 32, 48 48, और 20 का मतलब 68 हो गया, 68 है, हाँ 68 है। 4 के बाद ये 5 हो गया, द फंडामेंटल देखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार क्वेश्चन इस टाइप का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, V/4, लेंथ भी दिया है, लेंथ कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप क्या होता है 3V/2L होता है, 3V/2 कितना होता है 2L, देख लीजिए 3V/2 क्या, हाँ 2L होता है, 3V/2L होता है, ये देखिए V से V कट गया, यहां से 2 कट जाएगा, या एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। 5 के बाद 6 पे चलते हैं, देखना इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर में 5 रियल केस होता है और 1 वर्चुअल केस, रियल केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1 हो सकता है, लेस देन -1 हो सकता है, इक्वल टू -1 हो सकता है, और वर्चुअल केस में मैग्निफिकेशन हमेशा +1 से ज्यादा होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा इसका <+1 होता है, तो समझ गए, कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन माइनस का मतलब कॉनकेव मिरर,
प्लस का मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों, कॉनकेव में हमेशा प्लस वन से ज्यादा होगा, इसमें वन से कम होगा। तो देख लीजिए m इक्वल टू 1/4 बोल रहा है, तो यानी प्लस बोल रहा है, इसका मतलब ये जब भी बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर का होगा। कहीं है कॉन्वेक्स मिरर? हाँ हो तुम कॉन्वेक्स मिरर। m इक्वल टू -1 ये जब भी बनेगा तो कॉनकेव का बनेगा। m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 कह रहा, देखो मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा, ये मतलब रियल में बना सकते हैं, वैसे तो कॉनकेव मिरर में भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी रियल मतलब m इक्वल टू 1 अगर कहता है, क्या कहता है, अब देख लेना इसी के अनुसार आंसर सेट करना। ए का तो 2 हो गया, पक्का हो गया, बी का 1 हो गया, पक्का हो गया, अब सी का क्या बोल रहा, सी का भी 1 बोल रहा, चलिए अच्छी बात है, कॉनकेव मिरर में ही होगा जो हमने बताया था, और डी का क्या बोल रहा है, डी समान मैग्निफिकेशन है और प्लस भी, इसका मतलब प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में अपनी ही हाइट का बनता है, ठीक है, तो ये प्लेन मिरर में अपनी ही हाइट का बनता है। इसका एक और ऑप्शन भी हो सकता है, बी का 4 भी हो सकता है, बी का 4 भी हो सकता है, बी का कहीं 4 दिया है, बी का 4 अच्छा यहाँ दे दिया है, तो 4 कहीं ऐसा तो नहीं समान है, अरे यार ये तो दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे क्या, देखो ये दोनों तो समान हो गया, एक का 2 भी हो गया, एक का 2 भी हो गया, बी का 1 भी हो गया, बी का 4 भी हो गया, एम इक्वल टू -1 कह रहा है तो रियल भी होगा, पक्का होगा, सी का 1 हो गया, चलिए सी का 1 भी कह रहा है, सी का 1 भी कह रहा है, डी का 3 भी कह रहा है, डी का 3, तो इसमें बेटा एक और ऑप्शन कर लेना, 1 और 3 दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना, 1 और 3 दोनों हो जाएंगे, सही कर लेना, ठीक है, 1 और 3 दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि m इक्वल टू -1 का मतलब क्या होगा, रियल बनेगा, हाँ रियल बनेगा, मतलब मैक्सिमम यही चीज होता है ना, मैग्निफिकेशन माइनस है तो क्या है, रियल इमेज बनती है, क्या बनती है, हाँ, लेकिन हाँ वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक, तो ठीक है, सही है। 6 के बाद 7 पे चलते हैं, 7 क्या कह रहा है बेटा, ए बॉल ऑफ मास 0.5 केजी मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए वॉल नॉर्मली एंड बाउंस बैक विद द स्पीड टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द 1 मिलीसेकंड द एवरेज फोर्स। तो इसके लिए भैया दीवार से अगर कोई चीज टकरा रही है तो जितने मोमेंटम से जा रही है उसका रिवर्स मोमेंटम भी उतना ही हो जाता है, माइनस एम वी। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, फोर्स एवरेज इनटू टी इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी। तो एवरेज फोर्स पूछ रहा है, टाइम कितना है 10^-3, ये चेंज ऑफ मोमेंटम 2 mv हो जाएगा, यानी mv माइनस mv 2 mv। अब सब कुछ रख दो, एवरेज फोर्स निकल जाएगा यहां से, ठीक है ना, ये ध्यान देना। 7 के बाद 8 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, देखिए दो पॉजिटिव आयंस हैं उनके पास चार्ज क्यू है, आर सेपरेट बाय ए डिस्टेंस डी, कर रहा है कि उनपे कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बताइए दो चार्ज अगर रखेंगे इनके बीच फोर्स क्या लगेगा, 1/4πε0q² कितना होगा, डी का स्क्वायर, ठीक है भैया, ए ने फोर्स होगा। अब देखिए एफ की वैल्यू कितनी होती आती है 1/4, और ये बताइए एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा क्यू इक्वल टू क्या होगा, n²e²d²। अब बताओ क्या यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं एकदम निकाल सकते हो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई नॉट अरे इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये बेटा फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अब फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा देखना कंफ्यूज कर दिया है फ्रीक्वेंसी को आई से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कन्फर्म आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो कान खोलकर सुन लो, डेल्टा यू इक्वल टू 0 होगा। अब बताओ डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है, नहीं सॉरी प्लस होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा हाँ डब्ल्यू हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब बताइए इसमें क्या है, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन कन्फाइंड आइडियल गैस डज -150 जूल वर्क, तो -150 जूल यानी डेल्टा क्यू का इसका मतलब -150 आ रहा है, तो माइनस इसका मतलब रिजेक्ट हीट होगी, हाँ ये देखिए माइनस किसी में है रिजेक्ट हीट, 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस, रिजेक्ट हीट है, ठीक है। देखिए जब भी डेल्टा क्यू की वैल्यू माइनस आती है तो इसका मतलब हीट रिजेक्ट होती है, डेल्टा क्यू प्लस आता है तो इसका मतलब हीट ऐड होती है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। वर्क डन ऑन, देखिए केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स है, वर्क डन ऑन सिस्टम याद रखिए, अगर वर्क निगेटिव होता है, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है डेल्टा यू निगेटिव होता है। ये देखिए क्या रहा है, स्पीड ऑफ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर, देखिए आफ्टर रोलिंग, देखना रोलिंग है ध्यान देना, स्लाइडिंग नहीं है रोलिंग, तो भाई साहब
जब कोई गोला नहीं दिया होता तो इसका मतलब सॉलिड गोला, ये देखो सॉलिड गोला रोल कर रहा है, वर्टिकल हाइट एच फ्रॉम द रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग। अब ये क्या होगा, जब यहां से रोल करेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी और यही पोटेंशियल एनर्जी इसकी रोलिंग एनर्जी के बराबर होगी, यानी रोलिंग एनर्जी का मतलब एम जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल रोलिंग एनर्जी कितनी होती है, 1/2 m v² 1+k² / कितनी होती है r², तो आप जानते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए k² / r² 2/5 होता है, एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 m v² 2/5, 2/5 हो मतलब 7/5, 7/5 हो गया बेटा, यम से यम कट गया, क्या पूछ रहा था, अच्छा वर्टिकल वी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, तो वी का मतलब कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 gh, 10 gh/7, ये रूट में आ जाएगा, 10 gh/7 हो जाएगा, 10 gh/7 हो जाएगा। 11 के बाद 12 चलते हैं, क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास यम मूविंग हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इट्स मोमेंटम। तो पहली बात है वो काइनेटिक एनर्जी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, मोमेंटम चेंज होगा, देखो यहां मोमेंटम, यहां मोमेंटम कितना होगा एम वी, यहां मोमेंटम कितना होगा एम वी, तो ये बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, ये इसके इसके रिस्पेक्ट में माइनस में है, देखिए इसके रिस्पेक्ट में माइनस में बेटा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी, ठीक है, ये माइनस एम वी, माइनस एम वी, यानी कुल मिलकर कितना हो जाएगा माइनस 2 mv, इसी माइनस 2 mv को हम लोग क्या कहेंगे 2 mv मैग्नीट्यूड को, वेवलेंथ इतना दिया है और ट्रेवल इतना दिया है इट विल बी, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, जैसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आप जानते हैं भैया तीन तरह की वेव होती हैं, ऑडिबल रेंज होता है, इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, तो इंफ्रासोनिक 20 से कम, 20 से 20,000 तक ऑडिबल होता है, 20,000 से अबव क्या होता है हर्ट्ज, ठीक है, अल्ट्रासोनिक होता है, तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू c = f λ, c = f λ, f = c/λ चेक करेंगे 305 से 630 करीब 50,000 के आसपास आएगा, ये देखो 20,000 से ज्यादा है इसका मतलब अल्ट्रासोनिक होगा, क्या होगा 20,000 से ज्यादा है अल्ट्रासोनिक होगा। ये देख लो इसमें क्या लग रहा है बेटा, मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, मैग्नस इफेक्ट वही है जैसे मैग्नस इफेक्ट का मतलब बर्नौली थ्योरम होता है, और मैग्नस इफेक्ट अक्सर होता है बॉल के एग्जाम्पल में तुम लोग पढ़े होगे, लेकिन उसमें भी अपर एंड पे प्रेशर ज्यादा लगता है, नीचे वाले एंड पे प्रेशर कम लगता है, तो इसी तरह से मैग्नस इफेक्ट से रिलेटेड आपका क्या हो जाएगा, वो आंधी में जो टिन टिन का उड़ना होता है वह हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखिएगा लॉस ऑफ एनर्जी किससे रिलेटेड होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, हाँ विस्कस फोर्स से लॉस ऑफ एनर्जी हो सकती है, ठीक है, तो ये हो गया बी का 3, तो किसमें किसमें लग रहा है भैया, ये 4 वाले में लग रहा है आंसर, ठीक है। प्रेशर इज द सेम एट द सेम लेवल इन लिक्विड, अब ये तो बड़ा वो कह दिया, सी का क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक मशीन, डी क्या है 1 है, डी का 1 है यहां डी का 1 कह रहा है तो यहां फिर गड़बड़ कर रहा है, बड़ा बेचीता टाइप का हो गया, हाँ डी का क्या किया जाए 1, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल, हाइड्रोलिक मशीन जो होती है वो पास्कल लॉ पे बेस्ड होती है, पास्कल लॉ का मतलब क्या होता है, देखो ये सब चीजें, और सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 तो किसी ने दिया है, प्रेशर इज द सेम एट द सेम लेवल इन ए लिक्विड, सेम लेवल पास्कल लॉ से भी लगभग लगभग डिफिनेशन आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, पास्कल लॉ के हमने बताया था भैया प्रेशर प्रत्येक पॉइंट पे क्या होता है, ग्रेविटी इफेक्ट अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, क्या किया जाएगा, बोनस किया जाएगा कि, चलिए रहने दीजिए डी ही रहने दीजिए, हो सकता है कि भाई इसमें सब मिलाए होंगे, आप नहीं मिलाए होंगे तो हाइड्रोलिक मशीन को आर्किमिडीज प्रिंसिपल में डाल दीजिए, लेकिन कैसे, ठीक है चलिए जैसा होगा वैसा देख लिया जाएगा, ठीक है ना भैया, तो ये ध्यान दीजिएगा हाइड्रोलिक मशीन पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है बेटा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब पास्कल लॉ की परिभाषा होती है तो ग्रेविटी इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है जब, तो प्रत्येक पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है सेम होता है, तो जैसा होगा देख लिया जाएगा। 14 के बाद 15 क्या है बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बेटा आपको वर्क डन पता है W इक्वल टू क्यू वी ए माइनस कितना होता है वीबी, याद करिए अगर वी और बीबी आपस में बराबर होगा, वी और बीबी आपस में बराबर होगा तो इसका मतलब वर्क डन जो होगा वह क्या होगा जीरो होगा, तो नो वर्क इज डन, ठीक है। 15 के बाद 16 एरर इन द क्या कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर 2% एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, तो आप जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है 4/3 πr³, अब एरर निकालेंगे तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डेल्टा r / r × 100,
ये बताइए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, बोल ले रहे हैं 2 2 3, कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। 17 कह रहा है बेटा वेक्टर ये परपेंडिकुलर देन द वैल्यू, तो आप जानते हैं दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दीजिएगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दीजिएगा, क्यों भाई हमेशा याद रखिए दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करिए, पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो करिए, तो ए डॉट जीरो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एज, वैल्यू ऑफ एज द किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है भाई। इफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8 कैप परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस k कैप, ये देखो बेटा गड़बड़ हो जा रहा है क्वेश्चन में, एक दो चीजें गड़बड़ हो जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कांस्टेंट दिया ही नहीं है कि क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट रहा होगा उसी आधार पे, तो इसको चलिए ठीक है ये हमारा फॉल्ट है थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, तो इसीलिए इसको ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है। द वेव डिस्क्राइब बाई द वाई इज कॉल्ड 0.25 sin 10 πx - 2 πt वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, एक्स एंड वाई आर इन मीटर, एक्स और वाई क्या दिया है मीटर में, 3 सेकेंड ट्रेवलिंग वेव, तो ये बताइए निगेटिव बीच में दिया था इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी, किधर होगी, ये देखिए बीच में माइनस है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अब या तो 3 होगा या तो 4 होगा, देख लिया जाए कंपेयर कर लिया जाए वेवलेंथ के लिए, ये देखिए एक्स के बगल में 2π/λ से कंपेयर करिए, बोलिए 2π/λ किसके बराबर हो जाएगा, 2π/λ 10π के बराबर हो जाएगा, ये देखिए 10π, पाई से पाई कट गया, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/10 यानी 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ये तो वेवलेंथ निकल गई। टी के बगल में क्या है, टी के बगल में देखिए जो होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा कितना होगा 2π, ओमेगा इज इक्वल टू 2π या 2π/ क्या पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो 2π एफ इज इक्वल टू 2π कट गया, एफ की वैल्यू 1 हट जा रही है, तो इसका मतलब 4 वाला सही होगा, ठीक है ना। 18 के बाद 19, द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज 90 डिग्री होता है, हाँ मतलब सब एक दूसरे के प्लेन के, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री आएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एक्सरे ट्यूब इतना, द करंट थ्रू 3, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्ट्राइकिंग द टारगेट पर सेकेंड, अब ये एक्सरे का कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड, आई इक्वल टू एनई बाई क्या होता है टी, एन बाई टी पूछ रहा है, एन बाई टी, अभी कैलकुलेशन कर लेना इसका, हाँ आई बाई ई, जैसे पिछली बार वाले में ही इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसका तो कैलकुलेशन ईजी है, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये 2 × 10⁻³⁰ आएगा, 2 × 10⁻³⁰, हाँ क्या हो गया कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा मिली है 1.6 × 10⁻¹⁰, इसका क्या रहा है 2 × 90, अच्छा 2 × 10⁻¹⁶ आएगा, सॉरी डी वाला होगा। 20 के बाद 21 देख लो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल क्यू शॉट विद स्पीड वी टुवर्ड्स अनदर फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल क्यू अप्रोच क्यू अप टू ए क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर एंड देन रिटर्न्स, इफ क्यू वेयर गिवन स्पीड टू बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वुड बी, अब देखो इसके लिए क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कैसे हो रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, अब जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 πε₀ क्यू वन क्यू टू बाई कितना हो जाएगा आर, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड इनकी 2v हो गई, तो हाफ एम वी का मतलब 4v का स्क्वायर, अब बताइए 1/4 πε₀ देख लीजिए क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना हो जाएगा आर डैश, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आर डैश इक्वल टू आर बाई फोर आएगा, आर बाई कितना आएगा 4। 21 के बाद 20 क्या कर रहा है, लेंथ एल ऑफ वायर करेज स्टडी करंट टाइट इज बेंट फर्स्ट इन फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन ऑफ कॉइल 1 टर्न, द सेम लेंथ इज नाउ बेंट शार्पली टू गिवन डबल लूप ऑफ द स्मॉलर रेडियस मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये लगभग हर हर पेपर में किसी न किसी रूप में आ जा रहा है और हो सकता है उम्मीद है पूरा इस साल आए भी इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर सर्कुलर वायर की लंबाई कांस्टेंट है और उसके कई टर्न बनाए जा रहे हैं तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड याद रखना यन स्क्वायर टाइम हो जाएगा, तो ये देखो 2 टर्न करा रहे हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाँ 4 टाइम हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करा है कि स्टूडेंट है जो मेजर कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बताइए अगर कोई सेल डिस्चार्जिंग मोड में होता है, ये देखिए जैसे पहले सेल क्या कर रहा है प्लस है माइनस है और इसे देखिए करंट निकल रही है, करंट निकल रही है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू क्या होता है ई माइनस आई आर, या वी इक्वल टू क्या होता है माइनस आई आर प्लस ई, या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी, तो माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब ध्यान दीजिएगा ये देखिए सी क्या है ई है,
सी क्या है, देखिए सी क्या है, ई है कि नहीं, और ये क्या है माइनस आर, तो माइनस आर और ई, माइनस आर और ई मतलब वी और किसके बीच का, आई का, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये ऐसे होगा, वी और आर के बीच का निगेटिव स्लोप का ये ग्राफ होगा, सॉरी आई के बीच का, स्लोप क्या हो जाएगा भैया माइनस आर, और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा ई हो जाएगा, इंटरसेप्ट ई हो जाएगा। ठीक, सब क्लास में डिस्कस हुए हैं, सारे क्लास में हैं, देख लीजिएगा इसमें, ए बॉडी ऑफ मास इतना दे रहा है मूविंग विथ इतने अलोंग एक्सेस, द मोशन बीइंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, द एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन फोर्स ऑफ द बॉडी, तो ये एक्सेलेरेशन फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एक बात ध्यान दीजिए, एफ इज इक्वल टू जब एम ए करेंगे, एफ इज इक्वल टू जब एम ए करेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तीन है, इसका चार है, तो आंसर तीन सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, तो वन और ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत बोल रहा है, ठीक है वो नहीं हो सकता है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, अब दो में बचा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आए, तो ये हमारे ख्याल से कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई जब करना है दो दोनी चार, हाँ मल्टीप्लाई कर ले जरा, मल्टीप्लाई कर ले, सबसे अच्छी बात है मल्टीप्लाई कर ले, तो ये कितना आ जाएगा, पांच दोनी दस आएगा ना, इसका मतलब 5.05 कुछ आएगा, ठीक है ना, 2.526 में कर ही लिया जाए मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों में कोई सही होगा, देख लिया जाए कौन है, दोनों हाथ में ले लिया, चार एक पांच, पांच दूनी दस, पांच 5.152, 5.152 क्या हो रहा भैया, 5.152 मल्टीप्लाई हुआ है 2.00 का, तो 5.152 का मतलब पांच है, उसके आगे क्या है इवन है, तो बढ़ जाएगा, नहीं नहीं 5.512 तो आएगा नहीं, तो यही आ रहा है बस, दो तीन सिग्निफिकेंट, नहीं तीन सिग्निफिकेंट फिगर में ये भी है, सॉरी तीन सिग्निफिकेंट फिगर में ये भी है। तो बच्चों द मोशन मल्टीप्लाई 2.526 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एम दिया है, ए दिया है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, ढाई ढाई पांच, 26 दूना 52, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी कैलकुलेशन, अच्छा सॉरी यहाँ 10 होगा ना, हो जीरो जीरो, सॉरी 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 कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है हमें, ठीक है 052, ठीक है तो ये वाला सही होगा, तीसरा सही होगा, ठीक कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है। The motor is rotating at the constant angular velocity of 50 rpm. The angular displacement per second. इसका मतलब angular displacement theta is equal to omega t. Omega t यानी 2 pi f. f कितना है? 500 upon कितना? 60 per second का मतलब 1. 0 से 0 कट गया, 2 से 3 कट गया, यानी 50 pi by 3. ठीक? 50 by 3. 25 के बाद 26. Young w... 26 क्या कर रहा बेटा? YDSC, the aperture screen distance 2 meter, ठीक है, capital D हो गया, the fringe width 1 millimeter, ठीक है भैया, beta हो गया, आ जाओ light, lambda 1 हो गया, glass slab हो गया, thickness भी हो गई, placed over one of the slit, then there will be total lateral displacement, तो अभी हमने class में आपको बताया था, कि अगर किसी भी shift में, अगर क्या है, ऐसे ये रख दिया जाता है तो ये फ्रिंज शिफ्ट क्या हो जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी, कितना शिफ्ट करेगी, ये मैंने बताया था बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस वन इंटू टी, याद है फार्मूला, करो फार्मूले की रटाई तब शुरू होगी पढ़ाई, बीटा बीटा बोलो बेटा, बीटा दे दिया है, हाँ बीटा दे दिया, फ्रिंज विड्थ दे दिया, लैम्डा दे दिया है, म्यू भी दे दिया है, वन भी दे दिया है, रख के सॉल्व कर लेना, ठीक अगर कोई आंसर दूसरा मिलेगा तो कमेंट करके बताना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस 5R/2, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीपी दे दिया है बेटा, सीपी इक्वल टू क्या है 5R/2, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मतलब गामा पूछ रहा है, तो सीपी माइनस सीवी क्या होता है जरा बताना, आर होता है, तो सीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीपी प्लस आर, 5R/2 और ये आर, 7R/ कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब बताइए गामा निकालना, गामा का मतलब क्या हो जाएगा, सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी का मतलब क्या हो जाएगा, 5/7, 5/7 फाइव बाई थ्री आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ कर देंगे क्या, अरे भाई सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी माइनस आर, यार अरे सभी ही गड़बड़ हो जाता है, सी पी माइनस आर, सी पी माइनस आर का मतलब क्या हो जाएगा, सी पी है 5R/2 माइनस आर यानी 3R/2 यानी 5/3 सही है। 27 के बाद 28 चलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड पे बॉडी इज बाउंड विद द अर्थ देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव होती है भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, माइनस हाफ जी एम बाई आर ई होती है,
ठीक है ना, माइनस हाफ जी एम बाई आर ई। द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस देन विच ऑफ टू अबाउट द इमेज सिंगल कॉनकेव मिरर। याद करिए मैंने बताया था पहले, जैसे जैसे इनफाइनाइट से क्या है, देखिए मैंने बताया था कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे आ रहा है वैसे वैसे उसकी साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए साइज बढ़ती जाती है, ठीक है, पहले धीरे धीरे भागता फिर बहुत तेजी से भागने लगता है, मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होगा, पहले अब इसमें ऑलवेज रियल एंड स्पीड इज, हाँ रियल तो बनेगा ही, इनिशियली स्मॉलर, पहले धीरे धीरे एंड फाइनली लार्जर देन ऑब्जेक्ट स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब 29 का 2 हो जाएगा। फिर 29 के बाद 30 देखिए, परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। फिर क्या करा 31 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द फार फील्ड डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट अंडर पॉलीक्रोमेटिक इल्यूमिनेशन द फर्स्ट मिनिमम विद द वेवलेंथ लैम्डा 1 फाउंड टू बी कोइंसाइड विद द थर्ड मैक्सिमम एट लैम्डा 2, थर्ड मैक्सिमम एट लैम्डा 2। याद रखना सिंगल स्लिट है तो सिंगल स्लिट में जो मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा होता है वो कितना होता है, याद रखिएगा n प्लस हाफ लैम्डा डी बाई डी होता है, और जो मिनिमा होता है वो कितना होता है, n लैम्डा डी बाई डी होता है, ठीक है। क्यों भाई सही है, तो क्या रहा फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा का मतलब 1 लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई डी इक्वल टू किसके है, फर्स्ट मिनिमा विद द वेवलेंथ फाउंड टू बी कोइंसाइड विद द थर्ड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा का मतलब 3 + 1/2, फार्मूला याद रहे क्लास में सब बताया है हमने, ठीक है। अब बाई टू इनको सॉल्व कर लो, टी लेमडा 2 हो गया डी डी। अब देखो ये लेमडा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 लेमडा 2, तो कौन सा रिलेशन है कोई है, हाँ एकदम रिलेशन आ गया, दौड़ा क्या रहा है। 31 के बाद 32 क्या कर रहा भैया, मैन कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, लोड ऑन हिज हेड वॉकिंग ऑन स्ट्रीट डज नॉट डू एनी वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही है, जैसे मान लो कोई आदमी है दौड़ रहा है, दौड़ो भैया अपने सिर पे सामान लेके, तो उसका वेट mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा, 0। सही बात है, कहां गया स्टेटमेंट फर्स्ट सही। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो वर्क इज डन, ठीक है। w इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तुम लोग कहोगे कि रे बाबा ये कैसे हो गया, हम इतने यूनिफॉर्म वेलोसिटी थक के तो मर जाएंगे, इसका मतलब कोई वर्क भी नहीं करेंगे। सही, भले ही थक के मर जाओ अगर कॉन्स्टेंट स्पीड है तो वर्क 0, इसीलिए वर्क को अगर दिखाना है तो थोड़ा रुकते, थोड़ा चलना, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, जैसे जीवन के पक्ष हैं तभी जाके वर्क होगा। थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, थोड़ा टेंशन है, थोड़ा तनाव है, याद रखिए अगर बीच में, ठीक है, जैसे बायोलॉजी आपकी क्या कहती है, अगर आप ईसीजी कराने जाते हैं लाइन स्ट्रीट आ जाए तो इसका मतलब आप खत्म हो गए, अप डाउन जरूर होगा। अगर जीवन है तो अप डाउन पक्का होगा बेटा, अगर जीवन है तो अप डाउन जरूर होगा, किसी का जीवन हो, चाहे भगवान का जीवन हो चाहे मनुष्य का जीवन हो, अप डाउन जरूर। जिस दिन स्टेट लाइन आई ईसीजी की रिपोर्ट खत्म कहानी, उसी तरह से जिस दिन स्पीड आपका क्या हो गया समान रह गया, वर्क आपका 0 हो गया। तो ये मत घबराओ एक दिन ज्यादा पढ़ ले रहे हो, किसी दिन फेस्टिवल आ जा रहा, कोई बात नहीं, फेस्टिवल का भी एंजॉय करो, अभी नहीं कि निरंतर पढ़ते ही रहो, ठीक है। किसी के घर शादी है तो भैया, हाँ भैया नहीं कि जाए तो शादी पूरा जिम्मेदारी ही ले ले, ठीक है, पूरा ये आ जाए कि पूरा भैया, हाँ पूरा मिठाई उठाई का पूरा जिम्मेदारी ले ले, ऐसा नहीं है, वहां भी चले जाइए आके फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो ये चलता रहता है, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर बहुत कॉन्स्टेंट होगा तो खतरा है कोई चीज, चाहे स्पीड हो चाहे ये लाइन हो चाहे जीवन का हो, तो इसीलिए अप डाउन जीवन में आ रहे हैं, किसी दिन तबीयत खराब हो जा रही है कोई बात नहीं, किसी दिन कहीं जाना पड़ जा रहा कोई बात नहीं है, हाँ लेकिन अब 30 में कम से कम 10 दिन हो, अभी 30 दिन ना हो, अगर ऐसा है तो भैया ठीक है, तो वर्क आपका होगा। और अगर कांस्टेंट है तो भैया कहा जाता है ना, न बहुत अति की पढ़ाई होनी चाहिए न बहुत अति की घुमाई होनी चाहिए, पढ़ाई घुमाई पढ़ाई घुमाई पढ़ाई घुमाई, थोड़ा एंटरटेनमेंट थोड़ा पढ़ाई, तब उसके बाद वर्क होता है, आ नहीं अति की पढ़ाई वो भी खतरनाक है, अति की घुमाई वो भी खतरनाक है, यही जीवन का पक्ष है। इसीलिए सुख दुख जीवन में आता रहता है, फील करते रहिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए, जो जितना टेंशन लेगा उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा होगा, तनाव लेने का मतलब रिजल्ट अच्छा आना, ठीक है। तो ये भैया आपके जीवन से संबंधित नहीं है, सब क्वेश्चन कह रहा है, तो अब क्या है मतलब फर्स्ट और सेकंड अलग अलग बातें कह रहा है, सही नहीं लग रहा है 32 का हमको, ट्रू बट स्टेटमेंट से, हाँ ये सेकंड वाला सही है, उससे रिलेटेड नहीं है, हाँ कहाँ, इसमें दूसरी बात कर रहा है, इसमें एंगल लिया जा रहा है, इसमें स्पीड लिया जा रहा है।
कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लेस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेन मिरर। अब देखो इसको भी बताया था कौन है, कॉन्केव लेंस है ये, देखो ये कॉन्केव और कॉन्केव ये इसके कॉन्टेक्ट में रखा गया तो ये प्लेनो कॉन्केव बन गया। अब मैंने क्या कहा था इसके लिए फोकल लेंथ के लिए क्या करते हैं, 1/f इक्वल टू क्या, 2 बार रिफ्रेक्शन होगा तो 2 बाई लेंस का लेते हैं और 1 1/FM का लेते हैं। ये हमने बोला था ना पावर, पावर पी इक्वल टू ऐसे बोला था क्लास में पढ़ाते वक्त, 2 पावर लेंस का प्लस 1 पावर मिरर का बोला था हमने। ये बताओ प्लेन कॉन्वेक्स हो गया तो 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन फोकस इनफाइनाइट हो गया तो वैल्यू 0 हो गई, यानी 1/F इक्वल टू 2/FL या FL इक्वल टू कितना हो गया भैया, FL दिया ना इसका तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा FL/2। FL/2 का मतलब ये देखिए दिया है लेंस का 20 सेंटीमीटर, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, 20 बाई कितना 10, 20/2 का मतलब 10, कुछ नहीं करने की जरूरत है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए सेमी कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल आर 3/4 एंड 1/4, ठीक है। इसका मतलब ये करंट डेंसिटी दे दिया, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करंट डेंसिटी है, मतलब एक J1 दे दिया है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का है और एक होल का होगा बेटा, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 5/2 टाइम्स द होल्स द टेम्परेचर, देन द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मतलब NeNH का, तो बेटा J इक्वल टू NeEV होता है ये इसी तरह से JH NH EVH, J कितना दे दिया, J दे दिया 3/4, GH कितना दिया 1/4, NeNH पूछ ही रहा है, NeNH पूछ ही रहा है, और VVH कितना दे दिया है 5/2, सॉल्व कर दीजिए कोई आ जाएगा, ठीक है। 34 के बाद 35, कर्वेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन, क्या कहा जा रहा है प्रोटॉन, कर्वेचर प्रोटॉन मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन R इक्वल टू होता कितना है बच्चा लोग, MV/QV, तो सब पे तो डिपेंड कर रहा है ऑल ऑफ, ये देखिए क्या कर रहा था, मास 8 kg 12 कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ स्ट्रिंग एंड गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। देखो भैया हो सकता है इस टाइप वाला क्वेश्चन आ जाए इस साल नीट में, तो जेई वाले अभी जेई जो सेकंड सेशन हुआ था खूब दिया है जेई सेकंड। तो देखिए यहाँ एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू M2 - M1g, क्यों भाई याद है ना, हो सकता है बेटा इससे क्वेश्चन आ जाए इस साल। और टेंशन टी इक्वल टू जरा बताएंगे 2 M1 नहीं M2g अपॉन M1 + M2, सब रख के सॉल्व कर लीजिए कोई इनको आ जाएगा, सब कुछ दिया ही है, ठीक है। 37 के बाद ये देखिए 37 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ए सिंगल स्लिट विड्थ इज इल्यूमिनेटेड बाय द वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ λ1, ये देखिए वेवलेंथ λ1 एंड द विड्थ ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न मेजर इज y, व्हेन हाफ द स्लिट विड्थ इज कवर्ड देन द इल्यूमिनेटेड बाय येलो लाइट 600 नैनोमीटर λ2, विड्थ ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न इज, विड्थ ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न इज, अच्छा विड्थ, तो विड्थ क्या होता है भैया λ/d होता है, विड्थ विड्थ क्या होता है y दे रहा है ना, तो y लिख लो, y इक्वल टू λ/d, ठीक है। तो y2 कितना हो जाएगा λ2/d2, अब देखो y/y2 कितना हो जाएगा, λ1 कितना है 400, λ2 कितना है भैया 600, d1 कितना है d2 कितना है भैया d/2, कट गया 2 ऊपर चला गया, ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा इसका, 0 0 कट गया, 2 0 0 कट, 2 से 3 हो गया 4/3, 4/3 का मतलब कितना हो जाएगा, तो भाई 4/3 ये कैसा आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ गया क्या भाई, ये देखिए कुछ गड़बड़, अच्छा डी ऊपर जाएगा, सॉरी सॉरी बेटा d2 पर जाएगा तो यहाँ d/2 होगा, तो 2 से 2 ये कट जाएगा और फिर 2 से 3 मतलब 3 टाइम्स आएगा, ठीक है कैलकुलेशन संभाल लेना। 38 माइक्रोवेव और बेटर कैरियर ऑफ ए सिंगल देन ऑप्टिकल वेव, गलत कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, ऑप्टिकल फाइबर जानते हैं, ऑप्टिकल वेव का मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ये जो ऑप्टिकल फाइबर क्लास में बताया था हमने, ये भैया बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। आजकल देख रहे हो कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है लेकिन तब भी देखो सड़कों के किनारे क्या है पाइप डल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, बहुत कम लॉस उसमें होता है, इसीलिए माइक्रोवेव रडार चाहे कुछ भी होते हैं तो वह उतना बेस्ट नहीं है जितना बेस्ट आपका क्या है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, अंदर की बात अंदर रह जाती है, बाहर सिग्नल जा ही नहीं पाता है, तो ये बेस्ट होता है। रीजन कह रहा माइक्रोवेव मूव फास्टर देन ऑप्टिकल वेव, देखिए अब कहां कह रहा भैया, वैक्यूम में तो कुछ कहा नहीं कि अब क्या हम करें, वैक्यूम में तो दोनों समान स्पीड से मूव करते हैं,
क्या करें इसका भी कुछ क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, सॉरी बच्चों। माइक्रोवेव मूव फास्टर देन ऑफ वैक्यूम में तो मूव कर सकता है, वैक्यूम में क्या है ये मूव कर सकता है, ये देखिए वैक्यूम में माइक्रोवेव और ऑप्टिकल वेव ये तो समान स्पीड में हो सकते हैं, लेकिन करम माइक्रो अब मीडियम की बात आ रही है तो माइक्रोवेव मूव फास्टर देन, अब इसमें भी कोई लॉस नहीं होता है, इंटरनल कोई बहुत लॉस नहीं होता है, इसका मतलब क्या है असर्शन तो इनकरेक्ट हो गया, पक्का हो गया, रीजन भी इनकरेक्ट लग रहा है भैया, असर्शन इज इनकरेक्ट रीजन इज भी इनकरेक्ट लग रहा है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करेंगे। माइक्रोवेव मूव फास्टर देन, देखिए वैक्यूम में दोनों की स्पीड समान होगी, मीडियम में क्या हो सकता है, जैसे मीडियम में हम आएंगे तो माइक्रोवेव भी मीडियम है, ये भी मीडियम है तो मीडियम हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन से भैया अब 1-2% क्या होगा। हाँ तो एक चीज सोचिए, ध्यान दीजिए, जैसे अब यहां पे हम आइडियल कंडीशन ना मान के चलें, हाँ तो इसको जैसे भाई अब क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन के अनुसार सेट करना है ना बेटा, अब मान लीजिए जरा आइडियल कंडीशन ना मान के चलें, तो भैया यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन होगा, अब आप जानते हैं कोई भी चीज 100% क्या है नहीं हो सकती, तो यहाँ जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के स्पीड पर फर्क पड़ेगा। चलिए देखा जाएगा इसको भी, ठीक है ना। हाँ बस वही चीज है भैया, असर्शन तो इनकरेक्ट है रीजन वाले में, बस वही वैक्यूम में दोनों की स्पीड सेम होगी, ऐसा कुछ कहा नहीं, वैक्यूम मीडियम कहा नहीं है, और एनर्जी देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ज्यादा होती है, ऑप्टिकल वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो माइक्रो बेटर कैरियर नहीं हो, असर्शन तो गलत है, रीजन में थोड़ा है, देखा जाएगा। 38 के बाद 39 देख लीजिए क्या कह रहा है, असर्शन हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इमिशन स्पेक्ट्रम हैज मेनी लाइन, सही बात है, ठीक है। रीजन क्या कर रहा है, ऑनली लाइमन सीरीज फाउंड इन द ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लिखवाया है दौड़ा दौड़ा के लिखवाया है अपनों को, ठीक है। हाइड्रोजन एटम वेयर इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑल सीरीज आर फाउंड, ठीक है, ऑल सीरीज आर फाउंड, तो हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन, अब क्या किया जाए इसको, असर्शन इज करेक्ट रीजन भी करेक्ट है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इस इमिशन स्पेक्ट्रम हैज मेनी लाइन, अब इसमें एक चीज कह दिया इसलिए करेक्ट नहीं होगा, जैसे ये कह दिया ओनली लाइमन सीरीज फाउंड इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, आधा पोर्शन कहने की वजह से रीजन को हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते उसका मतलब, ये तो कर रहा है ये वाला, इतना पोर्शन देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसी का कर रहा है, लेकिन अब ये भी आ गया तो इसीलिए असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 40 देखते हैं, गैलोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस 600 ओम, वेलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 600 ओम है, 60 60 जी की वैल्यू दिया है, और ये क्या दे रहा है, ये आई जी दे रहा है, ये क्या दे रहा है आई, तो पहली बात सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे, जब भी गैलोमीटर से अमीटर बनाते हैं तो पैरेलल जोड़ते हैं, आई जी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस आई जी यस हो जाएगा, यस की वैल्यू पूछ रहा है, सब कुछ दे दिया है यहां से, यस की वैल्यू निकाल लेना आ जाएगा। 40 के बाद 41 देखो क्या कर रहा भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है द फोर्स एक्सपीरियंस, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लेने दो, इक्वल टू कितना होगा माइनस डीवी बाई डी एक्स, चलिए माइनस डीवी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा -5 का 0 8x, एक्स की वैल्यू 0.5, माइनस कहीं देना रही हटाओ माइनस की वैल्यू, हाँ ये 4 × 2 = 8 है, एक्स की वैल्यू 0.5 मतलब 8/2 कितना हो जाएगा भैया 4, एफ इक्वल टू कितना होता बताइए क्यूवी 4 × 2 × 10⁻⁶, 8 × 10⁻⁶ है कोई ऑप्शन, एकदम है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट बार मैग्नेट लेंथ 4 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक मोमेंट इतना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक एट एन डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, तो ये बताइए आपको पता होगा कि इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह कितनी होती है, बी इक्वल टू पता है μ0/4πm/r³ होता है, m/r³ होता है, जरा यम और आर, अब देखो जब आंसर नहीं आएगा तो पूरा वो लेके चलना पड़ेगा, mr/r² + x² / 3/2 भी लेके चलना पड़ेगा अगर आंसर पूरा ना मिले तो, μ0/4π, हाँ ये देखिएगा mr/r² + x² मतलब उसकी लेंथ 3/2 ये भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि ये लेंथ काफी छोटी है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक, तब जाके ये फार्मूला आएगा, अगर आंसर नहीं मिलता है तो दोनों में से देख लीजिए, ठीक है जो दिया है उसी के आसपास आएगा। फिर 42 के बाद 43 कर रहा है, मोमेंटम कितना होता है किसी भी फोटॉन का, बेटा मोमेंटम फोटॉन का क्या होता है, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा, ये पी क्या होता है एम बी एच बाई लेमडा,
या v इक्वल टू क्या होता है h बाई m लैम्डा, h बाई m लैम्डा। 44 क्या कर रहा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 एनर्जी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट। ये सब तो हम लोग को रटा रटाया होगा, ठीक है। क्या रटा रटाया होगा भैया, हमने रटाया था कि पहले में भैया माइनस 13.6 होता है, दूसरे में माइनस 13 होता है। बताइए इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 3.4। अब ये सब गलत ना हो, ठीक है। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल इतना कनेक्टेड टुगेदर करा लॉस ऑफ एनर्जी बताइए। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए कैपेसिटर का फार्मूला याद है, अरे जरूर याद होगा आप लोग को, C1 C2 upon C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर। इन होता है, सब कुछ दिया है, रख दीजिए आ जाएगा। फिर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है भैया, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ यम ओमेगा में ही देखो टाइम पीरियड भी आ जाता है, 2π/T और ए स्क्वायर। तो बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड और पीरियड पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड किस में है, वन में है, ठीक है। 46 के बाद 47 कर रहा है, स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ 50 सेंटीमीटर, चलो भैया नेचुरल लेंथ कितना है, एंड फोर्स कांस्टेंट इतना, द बॉडी ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड। ये देखो ये स्प्रिंग से ये देखो बॉडी को लटकाया गया, तो स्प्रिंग फोर्स बताओ कैसे लगेगा ऊपर, वेट कैसे लगेगा mg, बोलो नेट फोर्स कितना लगेगा, mg माइनस पता नहीं कौन होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। हाँ इसका माइनस मत लेना, हम और वैल्यू लेना इसका। ये बताओ mg कितना हो जाएगा, mg है 10 10 10, कितना हो गया 100, डिफरेंस डिफरेंस मॉड वैल्यू के 2 × 10^3 x नेचुरल लेंथ कितनी है 50, एलोंगेशन कितने का है भैया, पुल डाउन लेंथ 8 cm, तो 8 × 10^-2 तो 8 × 2 = 16 16 × 160 160 में से हो जाए 60 N अपवर्ड लगेगा, 60 N अपवर्ड लगेगा, मतलब ये वाला बड़ा है, kx बड़ा है, ये डिस्प्लेसमेंट का हमेशा अपोजिट लगता है ना kx, हाँ तो 60 N अपवर्ड लगेगा। फिर करा हॉस्पिटल यूज द अल्ट्रासोनिक सो स्कैनर इतना टिश्यू, देन द स्पीड ऑफ वेव इज इतना, लेंथ पूछ रहा है, तो सी इक्वल टू क्या होता है बोलो, एफ लैम्डा, तो ये टिश्यू की लेंथ लैम्डा ही होगी, सी बाई एफ, सी भी दिया है एफ भी दिया है, रख दो आ जाएगा। फिर 48 के बाद 49 एंगल बिटवीन टू वेक्टर, भैया एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो आप लोगों को आता ही होगा, कॉस थीटा इक्वल टू, हो सकता है ये भी आ जाए इस साल क्वेश्चन इस टाइप का भी, हाँ ए बी, हाँ 49 का कौन सा आ जाएगा ए, ठीक है। 50 का देख लीजिए भैया, 50 का टू मोनोटॉमिक आइडियल गैस 1 and 2 ऑफ मॉलिकुलर मासेस Cm1 and Cm2 आर इनक्लोज इन सेपरेटेड कंटेनर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ साउंड वेव गैस 1 to 2। अब भैया आप जानते ही होंगे स्पीड साउंड वेव की कितनी होती है, तो ये बताइए V1/V2 रूट में कितना आएगा M2/M1, सही है कि नहीं। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ठीक, फिर अगले टेस्ट में मिला जाएगा, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू बच्चों।